आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक और किस्म की प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन अगर हमें पावर पॉइंट में बनानी है, तो सबसे पहले हमें खोलना होगा पावर पॉइंट को अपने कंप्यूटर में। तो उसको खोलने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ हम लिखते हैं पावर, तो ये लिखा जाएगा पावर पॉइंट 2016। क्लिक करेंगे इस पर, ये हमारे सामने यहाँ पर लोड हो जाएगा। इसके बाद हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से पहले अपनी फाइल को जाके सेव कर देना है। तो याद रहे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल को हम प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। यहाँ से सेव करने के बाद हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद इसको सेव करेंगे। तो हम जाके सेव कर रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन के फोल्डर के अंदर। और उसमें सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसका नाम रख रहे हैं क्लास 02 ACIT इंट्रो के नाम से हमने जो प्रेजेंटेशन है वो बना ली। तो सबसे पहले इसका टाइटल लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ से इसका टाइटल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये हमें टाइटल पे लिखना है। तो मैंने यहाँ से इसको ले लिया और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से ले लिया, ये आ गया, ठीक। तो टाइटल स्लाइड पर मैं टाइटल लिख दिया। अब अगली स्लाइड पर हमें क्या लिखना है, हमें ये इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है। तो इसके लिए हमें जो स्लाइड रिक्वायर्ड है वो टाइटल एंड कंटेंट की रिक्वायर्ड है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जो भी इससे रिलेटेड टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पर इसका टाइप कर दिया, ठीक। और फिर नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और स्लाइड है, ये बिल्कुल उसी तरह की स्लाइड है। तो यहाँ से न्यू करेंगे और यहाँ पर भी हमने इसको यहाँ से टाइप कर दिया, और ये वाला जो टेक्स्ट है वो भी हमने यहाँ से लेके यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इसके, तो ये तीसरी स्लाइड है इसकी। इसके ऊपर हम यहाँ से एक न्यू स्लाइड लेंगे और स्किल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके यहाँ टाइप कर देंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसका, इस वाली स्लाइड पर इस तरह से टाइप कर देंगे। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और फिर आगे चलते हैं आउटकम्स में। अगली स्लाइड है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से एक और न्यू स्लाइड लिया, क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, ये टाइप कर देंगे हम यहाँ पे, और फिर हमने आगे चले। अब ये वाला जो स्टाइल है कैसे बनेगा, इसमें आप यूज़ कर रहे हैं टू कॉन्टेंट्स वाला, टू कॉन्टेंट, ठीक है। ये वाला लेआउट यूज़ करेंगे इसमें टू कॉन्टेंट। तो इसका जो टाइटल है कोर्स आउटलाइन वाला है हमने यहाँ टाइप कर दिया, और फिर जो अंदर वाले कॉन्टेंट्स हैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे प्रेस कर दिया, क्लिक किया, एंटर कर दिया। यहाँ पर से आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना, ठीक। और दूसरे साइड के भी कंटेंट्स को आप इसी तरह से टाइप कर लेना है सेकेंड वाले बॉक्स में, और यहाँ पे जाके आपने क्लिक किया एंटर। ओके, एक्स्ट्रा डॉट्स जो है तो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लें इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड जो हमें इस तरह का बनाना है स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें क्या करना है, एक न्यू स्लाइड ले ली, स्लाइड ले ली टाइटेनियम कंटेंट्स में, फिर स्ट्रक्चर ले लिया हमने टाइप कर दिया ऊपर। और ये जो टेबल बनाना है, तो यहाँ पे देखिए टेबल का ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ नहीं दिखता तो इंसर्ट में जाइए, यहाँ से टेबल ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कितनी रोज कितने कॉलम पर टेबल चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज चाहिए इसमें। तो हमने यहाँ पे ले लिया 8 रोज, और कॉलम चाहिए 2। ओके कर दिया, ये टेबल बन गया। टेबल का जो साइज़ है हमने यहाँ से इसमें एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने टाइप करना है ये सारी चीज़ों में। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा कलर्स वगैरह देना चाहें तो क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कलर स्कीम्स मिल जाएंगी। अगर कोई और टेबल आपको अच्छा लगता है स्कीम्स पर, तो आप स्कीम भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये सारी तफसील आपने लिखनी है इस साइड पर, तो इसको हम यहाँ से लेते हैं। अब यहाँ पे जो तफसील है वो इस तरह से लिखी जाएगी, जैसे आप यहाँ लिखेंगे एडमिशन, ठीक है, फिर उसके नीचे लिखेंगे मंथली, और फिर उसके नीचे लिखेंगे एनरोलमेंट, एग्जाम और शिक्षा फी, के बाद थोड़ा सा इसकी हाइट कम कर लेते हैं, या इस वाले लेआउट की हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, ओवरऑल हाइट कम हो रही है, इस रो की तो नहीं हो रही, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये इस तरह से आ गया, बाकी सारा डेटा फिर यहाँ फिलअप कर देंगे, और फाइनली ये इसके लिए हम जो लेआउट यूज करेंगे वो ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट,
और यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन है सब क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको देंगे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं, या क्लिक करेंगे लेटेस्ट पर और यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो फिर हम इस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टाइलिंग के ऊपर, सेव कर लेंगे, डिज़ाइन पर जाएंगे, कोई अच्छा सा डिज़ाइन के ऊपर लगा लेते हैं, सपोज़ टू बी ठीक है। उसके बाद इसका कलर स्कीम जो है अगर हमें चेंज करना है क्लिक करके क्रीम रख लेते हैं, ठीक। और अब आते हैं फॉन्ट्स के ऊपर, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए डिज़ाइन में जाएंगे, सिर्फ फॉन्ट्स चेंज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये फॉन्ट भी अच्छा है, ये फॉन्ट भी अच्छा है, रियल ब्लैक ट्रेमोंट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका फॉन्ट साइज देखा कितना है, इससे ज़्यादा हो नहीं रहा क्योंकि बॉक्स जो है इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, तो उस पर क्लिक करके बॉक्स को थोड़ा यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ और एक्सटेंड कर देंगे, 54 तक चला गया, लेकिन थोड़ा सा ये बाहर निकल गया इससे, ये ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लिया, हम नीचे वाले को सेलेक्ट किया, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाया 44 पे सही रहेगा, लेकिन फॉन्ट का जो कलर है वो ज़रा सूटेबल नहीं है, तो फॉन्ट कलर फॉन्ट है, इफेक्ट्स है, लेकिन इफेक्ट्स का तो अभी काम ही नहीं आ रहा, फॉन्ट कलर तो फिर इसका पूरा का कलर चेंज हो जाएगा, कलर फिर भी चेंज नहीं हुआ, तो होम में जाके इसका कलर फिर हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा वाइट, ठीक है। इस तरह यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए 36 वाइट, सेलेक्ट करेंगे इसको सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए 36 वाइट, सेम इसका कलर भी 5x32 भी रखेंगे, टेबल का डिजाइन है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको पूरा डिज़ाइन करने के बाद स्लाइड शो पे देखें, सही, नेक्स्ट, पढ़ने में आ रहा है, ठीक।
अब आते हैं, जैसे नॉर्मली स्लाइड चेंज हो रही है, इस पर ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ये बने बनाए ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं जो भी देना चाहें। ठीक है, हर इफेक्ट की कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे ये ऐसे हो रहा है, यहाँ क्लिक करके ऐसे कर लो। हर किसी पे अलग अलग लग सकता है और हर किसी पे सब पर एक भी लग सकता है। सब पर एक ऐसे लगेगा, जैसे मैं हर किसी को अलग अलग सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ उसी पे अप्लाई हो रहा है। अब सब पर एक ही इफेक्ट लगाना है तो पहली स्लाइड के ऊपर जो भी इफेक्ट आप चूज करें उसको यहाँ से कहते हैं अप्लाई टू, तो सब पर वही इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब ये देखें, अब पहले से ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाएगी इसके अंदर। ये देखिए, दिन पहले लगा हुआ। ठीक है, इसको बना के देखें।